आइए हमारी तरफ से बहुत छोटा सा गीत है और मैं अपना गीत ये नहीं बताऊंगा कि आपने जवाब दिया या नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं कहता हूं तो आपको थप्पड़ से लगते हैं। मैं नहीं कहूंगा, जनता कुछ समझ रही है। और जैसा कि आप सुनिएगा हमारा गीत। अरे लेके पहला पहला प्यार, अरे लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादू। भैया थोड़ा आवाज सही करो, कुछ सिंपल सादा सादा जा रही है। हाँ ये थोड़ा, भैया देखो आप, हमने पहले ही कहा कि आप तीसरे कलाकार हैं, आप जिसे चाहो गब्बाओ, जिसे न चाहो न गब्बाओ। हाँ तो निवेदन है बस थोड़ा, हाँ रिपीट देते रहो। बढ़िया साउंड है, तुम्हारे साउंड का मथुरा तक प्रचार करूंगा। सुनिए थोड़ा, आप लोग समझ गए हैं। अब देखिए मेरे गीत में आखिर क्या है, भाभी जी सुनिए सुनिए। वो पार चले पारथ के तो सुनिए। अर्जुन और भगदत्त में हुआ युद्ध घमसा, दोनों योद्धा लड़ रहे कुरुक्षेत्र दरमिया। एक चिड़वा भारैया उड़ती अंबर में खुशहाल, एक चिड़िया उड़ रही है जिसको भारैया बोलते हैं, एक चिड़िया उड़ रही अंबर में और अंबर में खुशहाल। मगर अचानक आ गया उस चिड़िया का काल। हेलो, कुरान के अंदर उस चिड़िया को वो कंधार पक्षी की पुत्री अद्रोण पक्षी के साथ में उसका विवाह हुआ। पुराण के अंदर उसका नाम तारछी दिया है, वैसे लोग उसे भारैया के नाम से कहा करते हैं। सुनिएगा। एक बाण भारैया के लगा जाके पेट में, एक बाण उस भारैया चिड़िया के पेट में लगा लगा तो क्या हुआ, हुआ क्या, चार हंड निकले उसके गिरे आके भूप, उसी वक्त घंटा टूटा अंडों के ऊपर। तो सुनिए यहां हुआ क्या, अंडों के ऊपर घंटा गिरा, घंटे ने अंडों को ढक दिया। तो घंटे का घर आलीशान, तो घंटे का घर आलीशान, जब वो अंडा गिरे तो उसके ऊपर वो घंटा आके गिरा। तो घंटे का घर आलीशान, दे दिया उनको फिर भगवान। जय हो,
तो सारी दुनिया में न देखा कोई ऐसा घंटा ऐसा घंटा घंटाघर ना देखा। अब देखो हमारे तीन राइटर हैं, हमारे मम्मी पापा ने पढ़ाया है, तो हम सब लोग कलम चला रहे हैं। आपको तीन लग रहे हैं, ये तीन नहीं है, ये कहीं परिवार है। नहीं भैया कोई दूसरा नहीं इस परिवार। हम पैसा ज्यादा नहीं खाते, हम तो पूरा खाना लेके आते हैं, तुमको प्रॉब्लम क्या? अच्छा दादा बताओ, भैया आप लोग यहाँ बैठे हैं भाभी, अच्छा आप बताओ, हम तो सास ससुर अम्मा दादे सब लेके आएंगे, एक गाड़ी ना, हम तो चार लेके आएंगे, पर हमें तो होना चाहिए। क्यों पंडित जी महाराज, पैसा हमारो खर्च होगा, गाड़ी हमारी जा रही है, तुम्हें पता ना क्या प्रॉब्लम है रही है। तो घंटे का घर आलीशान दिया फिर है अब भगवान, सारी दुनिया में न देखा कोई ऐसा घंटा बातें करने के लिए रात भर बातों में गुजार दो, लेकिन आज का बात सत्य है, आप जवाब नहीं दे रही हो। वैसे तो घंटा घर काफी है, आपके उन्नाव में भी होगा, हमारे मैनपुरी में भी है, लेकिन मैं उस घंटा घर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं घंटा गिना, और उसमें अंडे जब तक बने रहे जब तक उसमें बच्चे नहीं हो गए। अब सुनिए, कहां पर ये बच्चे बैठे एक दिन की बात है भाभी जी, उस कुरुक्षेत्र के मैदान से शिष्यों के सहित एक दिन समीप मुनि जी जा रहे थे, और जब जा रहे थे तो नीचे जब देखा घंटे के नीचे बच्चे पैदा हो गए। देखो अब जब नीचे देखा तो घंटों में जब देखा तो कुछ कुलबुलाहट मालूम पड़ी। देखिए कहां पर ये बैठे बच्चे, वो कहां पर ये बैठे बच्चे चू चू कर रहे हैं, जान जा रही हो उनकी ऐसे डर रहे हैं। बहुत अच्छे बेटा, वो बच्चे भाभी जी पहले अंडे थे, अब बच्चे हो गए, बच्चे चू चू कर रहे हैं। तो पहला एक घंटा देखा और उसे जब उठाया है उसमें चिड़िया के चारों बच्चों को पाया है। तो अब देखिए, अरे कैसी घंटे के दरमियान और बच गई इन बच्चों की जान। वो ऋषि कह रहे हैं कैसे बच गए, कैसे बच गए ये बच्चे, बच गए हमारे पीछे वाले ये, हमारे पीछे वाले वो। अपने पीछे वालों से कहो तुम भी कुछ करो, बगैर खाए पिए का क्यों दे रहे हो। तो कैसी घंटे के दरमियान बच गई इन बच्चों की जान, तो सारी दुनिया में न देखा कोई ऐसा चिड़िया। ऐसा चिड़िया घर कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। वैसे तो मोदी जी ने एक इज्जत घर और बनवाया है, लेकिन कुछ विशेषता होनी चाहिए। जैसे हनुमान जी बूटी लेने गए
तो ऐसा दवाई घर कहीं नहीं जो मुर्गे को जिंदा करे, कुछ विशेषता हो। अब देखिए ऐसा मेडिकल स्टोर कहीं नहीं मिला। कंस ने बसदेव से कहा था कि मुझे तुम्हारा आठवां पुत्र चाहिए, लेकिन नारद जी के उल्टा पढ़ाने पर उसने एक एक पुत्र को मारा। लेकिन जब सातवें पुत्र की बारी आई तो उन बलराम को संकर्षण के द्वारा रोहिणी मैया के उधर में पहुंचा दिया। अब बारी आई आठवें की, तो आठवें में भी भगवान कन्हैया को गोकुल पहुंचा दिया गया और गोकुल से वो कन्या लाई गई जिसे आज शक्ति कहलाई। अब सुनिए, बिजली सी तड़प कर बोली, जब वो कन्या लाएगी पंडित जी महाराज, जब वो कन्या लाएगी तो कन्या को जब कंस ने पैर पकड़ के पटकना चाहा तो वो कन्या छुटके सीधा कहां गई? आकाश में। अब देखिए वो कन्या क्या कह रही है, क्या कह रही है? वो बिजली सी तड़प के बोली, कन्या आसमान से कंस तू मरेगा सुन ले निश्चित ये ध्यान से। तो आ गया समय। इतना कह के वो बड़ी तेज चमकी तड़पी, इसको आज भी हम लोग देखते हैं। क्या हुआ? चांदी सी चमकती बिजली देखी है ऊपर है, अंबर में घर है या फिर घर में ही अंबर है। बरसात के मौसम में भी आज देखते हैं बिजली को आकाश में। तो सुनिए भाभी जी, अरे क्रोधी करो में मन अनुमान, अरे क्रोधी कहे करो अनुमान और बिजली का है अजब स्थान, तो सारी दुनिया भाभी जी, तो सारी दुनिया में न देखा कोई ऐसा बिजली, सारी दुनिया में न देखा कोई ऐसा बिजली करे, सारी दुनिया में न देखा हुए घंटा। घंटा घर, बिजली घर, बिजली घर और चिड़िया घर। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए छोटा सा खंडगीत, मैं कुछ नहीं मुद्राएं। भैया हमारे राजू दीवाना जी बहुत अच्छे जागरण करता है, आप आपकी तरफ से आप इतनी दूर कार्यक्रम सुनने के लिए आए, भैया धन्यवाद है। गीत सुनिए, बड़ा अच्छा गीत आपका है। गीत बड़ा अच्छा दिया है आपने, और इस गीत में अंतरा किसी और गाने की है, धुन किसी और गाने की, फिर भी हम प्रयास करेंगे हम इधर उधर ना जाएं। किले के पहला पहला प्यार, Let's go.
कर दिया है नब्बे, नब्बे को आपने नब्बे कर दिया है, इक्यानवे को तिरकानवे ने क्या कर दिया है, और सुर पर बानवे, यानी एक लाइन में जवाब आपने खत्म किया, बाकी क्या कौन किससे कह रहा है कोई मतलब नहीं, लेकिन हम फिर भी थोड़ा जवाब देंगे, इतना कम भी नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं कि आधी लाइन गाकर बैठ जाएं, क्योंकि जवाबी जवाबी की तरह से होनी चाहिए, ये नहीं कि केवल मांगना सीखिए देना ना सीखिए। सुनिए जवाब, आपने अपने गीत में बताया ऐसा नहीं है घंटा घर, क्या कहूँ इस गीत को मैंने कितने लोगों से सुना है, और चंदन दीवाना जी मेरे भी कई गीत आप गाते हैं, यूट्यूब में पड़े हैं, मेरे अपने कई गीत गाते हैं, लेकिन आपका अधिकार है आप गा सकते हैं, अगर अपना समझ रहे हैं तो, मेरे कई गीत आप गाते हैं, आप खुद अपने मुंह से कहते हैं, और हमारे संजय भैया जानते हैं इस बात को, इनसे तो कुछ छुपा नहीं, तो ऐसे ही आपने संतोष राही जी के गीत को बड़ा अच्छा प्रस्तुत कर दिया है, घंटा घर चिड़िया घर खूब गाया है संतोष राही जी ने, और संतोष राही जी ने नहीं पप्पू आवारा जी ने भी इसको खूब गाया, फिर उन्हीं के शिष्य शंभू हलचल जी ने खूब गाया, लेकिन अब आप नहीं का माल यही बेच रहे हैं, सब बढ़िया है, बढ़िया, जय हो घंटा घर। चलिए सुनिए जवाब, क्या बात, सब दे सुनिए, अब मैं कोई घर लाने का प्रयास कर रही हूँ, भैया जी इन्होंने चिड़िया घर घंटा घर बिजली घर लगा दिया है, अब कोई घर लाना पड़ेगा जिसमें घर जुड़ता हो, शाबाश, जिस शब्द में घर भी जुड़ता हो और प्रसंग भी आ जाए, क्योंकि ऐसे गीतों में मंच पर हम कूड़ा घर इज्जत घर तो लिख नहीं सकते, घर तो बहुत है लेकिन प्रसंग में भी आ जाए, श्री राम भैया सुनिए, शिव बारात लेके पर्वत पे आए, भूत प्रेत संग में उनके नाचे माता, और दुल्हन बन आभूषण वो गिरजा सजाए, आने वाले सभी घर में खुशियां मना, जो भी वहां पर्वत पर पहुंचा वो खुशियां मनाए, ये भगवान भोलेनाथ बारात लेकर आए, पहले तो दुख प्रकट हो रहा है, पहले तो सब नारद को उल्टा सीधा सुना रहे हैं कि कैसी अजीब बारात आई है, सारे भूत प्रेतों की टोली आई है, तुंडा ढोलक बजा रहा है, गूंगा गूंगा गाना गा रहा है, बहरा सुनकर बता रहा है, अंधा रास्ता बता रहा है, ऐसी अजूबों की बारात आई है, लेकिन जब भोलेनाथ ने अपना अच्छा रूप दिखा दिया तो वहां पर के आने वाले सभी घर में खुशियां मनाए, तो लिखना पड़ा लेके आए सभी बारात, लेके आए सभी बारात, आनंद छाया है दिन रात, घर में आए सब आए, जहां है गिरजा धन्यवाद, आपकी दो चार तालियां मेरे लिए काफी है, गिरजा घर, गिरजा घर यानी जहां गिरजा रहती है उनके घर पर बारात पहुंच गई, और लोग लिखते हैं गिरजा घर, लेकिन गिरजा घर तो लेके आए सभी बारात, आनंद छाया है दिन रात, घर में आए सब आए, जहां है गिरजा, जहां है
देवी का रात के घर से अलग है, हालांकि घंटे का और भी प्रसंग आ जाते हैं। सुपत सुदर्शन जहाँ भोजन नहीं कर रहे हैं ऋषि, वहाँ भी घंटा नहीं बज रहा है। भगवान कन्हैया भी माखन चुराने गए तो घंटी से कहा, उस घंटे से कहा बजना नहीं, लेकिन जैसे ही कन्हैया ने भोग लगाया वो घंटा बज गया, क्योंकि वो घंटा कह रहा है कि प्रभु जहाँ भगवान भोग लगाए वहाँ तो मुझे बजना ही पड़ेगा। तो लाने को घंटा ला सकते थे, लेकिन फिर आप कहते वही हमने गाया वही आपने गाया, इसलिए पहले टुकड़े में गिरजा घर, अब दूसरा घर सुनिए। इंद्रप्रस्थ पांडवों का नगर एक बसाया, मेरे लाल। इंद्रप्रस्थ पांडवों का नगर एक बसाया, दुर्योधन घूमने को वहां पर जब आया, जब उस नगर में दुर्योधन घुसा तो देखिए वहां भी एक अजीब काम हुआ। नजरों का धोखा उसके नजर में है छाया, तो जल में है थल और थल में जल को है पाया। दुर्योधन जहाँ पानी है वहाँ सूखा समझ रहा है, और जहाँ सूखा है वहाँ पानी समझ रहा है, और ये सोचकर जब चल पड़ा उस चट्टान पर तो लिखना पड़ा, वो तो समझा नहीं है बात, दिन भी लगती उसको रात, उसको घर ना मिला है ऐसा अजायब घर, ऐसा अजायब घर, अजायब घर यानी अजीब अजीबो गरीब घर, जहाँ जहाँ गीले में सूखा और सूखे में नजर आ रहा है, ऐसा दुर्योधन को नजर आ रहा है। और लखनऊ जाइए तो वहाँ आपको अजायब घर मिलेगा, अजायब घर, जैसे आपके में घंटा घर और चिड़िया घर मिल रहा है कानपुर और लखनऊ में, वैसे लखनऊ में अजायब घर मिलेगा। वो तो समझा नहीं है बात, दिन को भी लगती है रात, उसको घर ना मिला है ऐसा अजायब घर, दुल्हन बन लेके आए हैं बारात, आनंद छाया है दिन रात, घर में आए सब आए, जहाँ है गिरजा जहाँ है गिरजा घर, बोलिए सच्चे दरबार की। ये आपके घर का जवाब, आपके घर का गीत है, यहाँ मंच पर लिखना पड़ा है।